हमें पैसों के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। सो गाइस, हमारी आज की मूवी भी कुछ इससे ही रिलेटेड है। मूवी के स्टार्ट में हमें गवर्नमेंट वर्कर दिखाया जाता है जिसका नाम गैरी है, और वो गाड़ी को गवर्नमेंट के कहने पे लेने आया है। जब वो गाड़ी को अपनी गाड़ी के साथ अटैच कर रहा होता है तो सामने घर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम मैडी है। वो बाहर आके गाड़ी ले जाने की वजह पूछती है। गैरी कहता है, तुमने प्रॉपर्टी के टैक्सेस नहीं भरे इसलिए मुझे गाड़ी ले जानी होगी। एक्चुअली गैरी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। मैडी उसे अपनी बातों में उलझाने लगती है और कहती है कि मैं तुमको अभी भी बहुत याद करती हूँ, तुम इस गाड़ी को यहीं छोड़ दो और उन लोगों से कहना कि गाड़ी यहाँ पे नहीं थी। तभी पीछे घर से एक लड़का निकल के आता है और मैडी को पीछे से हग कर लेता है। गैरी समझ जाता है कि ये इसका न्यू बॉयफ्रेंड है। वो मैडी की बातों को इग्नोर करके गाड़ी वहाँ से ले जाता है। इसके बाद मैडी को रोड पे स्ट्रिक्ट शूज पहन के जाता हुआ दिखाया जाता है। रोड पे जाते हुए एक स्टोर के बाहर इसे अपनी गाड़ी दिखाई देती है। मैडी गाड़ी में बैठ के वहाँ से गाड़ी ले जाने लगती है। गैरी इसे देखता है और रोकता है, लेकिन मैडी नहीं रुकती और वो मैडी को गाड़ी समेत ले जाता है। इसके बाद मैडी को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है और मैडी के एक फ्रेंड गेब सोयर ने इसकी जमानत करवाई है, और गेब मैडी से कहता है कि टैक्सेस भरे बगैर वो तुमको तुम्हारी गाड़ी नहीं देंगे। मैडी कहती है, वो मेरी माँ का घर है तो टैक्सेस कैसा, और कहती है कि गाड़ी के बगैर मेरा गुजारा मुश्किल है क्योंकि मैडी उबर भी चलाती है। फिर मैडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैडी को बीच होटल पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो काम करती है। इसके पास एक आदमी आता है और बेर मांगता है, पैसों की वजह से वो एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। अभी वहाँ की ओनर आती है और मैडी को टिश्यू कवर करने पे लगा देती है, जहाँ इसकी दोस्त सैरा इसे सेकंड हैंड गाड़ी का बताती है। मैडी कहती है, मैं सब देख चुकी हूँ, कुछ खास नहीं। सैरा का हस्बैंड मैडी से कहता है, तुम अपना घर किराए पे क्यों नहीं दे देती। मैडी कहती है, टूरिस्ट मेरे घर पर आए मुझे पसंद नहीं। इसी दौरान सैरा मैडी को फोन पर एक पोस्ट दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि हमारा बेटा 19 साल का है और बहुत शर्मीला है और आज तक इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। इसके लिए 20 से 25 साल की खूबसूरत लड़की चाहिए जो इसे डेट करे और सोशल बनाए, और बदले में हम इसे न्यू टेस्ला कार देंगे। सैरा मैडी को कहती है, उन्होंने 20 से 25 साल की लड़की बोला है। मैडी कहती है, मैं तकरीबन इतनी तो लगती ही हूँ। इसके बाद होटल से छुट्टी के टाइम सैरा कहती है, तुम जाओगी। मैडी कहती है, मेरी माँ का घर मुझे बचाना होगा इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। फिर घर जाके वो पोस्ट बॉक्स में लेटर डालती है सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के लिए। अगली सुबह मैडी उनसे मिलने निकल जाती है। जैसे ही वो घर में दाखिल होती है इसे वही टेस्ला कार नजर आती है। इसके बाद वो सोशल मीडिया वाले कपल से मिलती है। वो मैडी को देखते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। वो मैडी से इसकी एज पूछते हैं। मैडी बताती है 32। वो मैडी को इस काम के लिए रखने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन मैडी उनको कहती है कि कोई यंग लड़की आपके बेटे को वैसा नहीं बना सकती जैसा आप चाहते हैं। इसके लिए एक मैच्योर लड़की की जरूरत होगी जो कि मैं हूँ और इस काम को बखूबी कर सकती हूँ, जिसपे वो दोनों मान जाते हैं और मैडी से कहते हैं कि इस बात के बारे में हमारे बेटे को पता ना चले। इसके बाद उन कपल का बेटा दिखाया जाता है जिसका नाम पर्सी है और वो रेस्क्यू एनिमल हाउस आया है। दरअसल वो अपना फ्री टाइम वहीं गुजारता है। बाद मैडी भी वहीं आती है और दूसरे लड़के से बात करने के बाद पर्सी के पास आती है और कहती है कि मुझे एक डॉग अडॉप्ट करना है, मेरी हेल्प करोगे। मैडी पर्सी से कहती है कि मुझे खतरनाक डॉग चाहिए। पर्सी उसे डॉग दिखाने के बाद कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे इसे रखने के लिए। फिर पर्सी मैडी को ऑफिस के अंदर ले जाता है। मैडी इसकी त्वचा अपनी तरफ करने के लिए सोफा खींच के इसके सामने आ जाती है। जब पर्सी सवाल पूछ रहा होता है तो मैडी इसके साथ फ्री होने लगती है। ये देख के पर्सी कहते हैं, मुझे शटर बंद करना होगा, आप कल आइएगा। मैडी कहती है, चलो मैं मैं ड्रॉप कर देती हूँ। पर्सी हैरत से पूछता है, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता। मैडी कहती है, तुम्हारे बैग पे लिखा है। बाहर जाके पर्सी कहता है, मैं अपनी साइकिल पे जाऊंगा। मैडी जबरदस्ती इसकी साइकिल को अपनी वैन में रख देती है और पर्सी से कहती है, तुम मेरे साथ आगे बैठ जाओ। जब वो वैन में बैठ के जा रहे होते हैं तो मैडी शॉर्टकट का बोलती है और पर्सी पीछे वैन में चाकू वगैरह देख के डर के हेल्पलाइन पे मैसेज करने लगता है। मैडी इससे फोन ले लेती है। जब वो वैन रोकती है तो पर्सी इसकी आंखों पे स्प्रे कर देता है और मैडी से कहता है, तुम मुझे किडनैप कर रही हो। मैडी कहती है, तुम पागल हो, मैं तुम्हें क्यों किडनैप करूंगी, तुम बच्चे थोड़ी हो। फिर मैडी पर्सी को पानी लाने का कहती है। जब मैडी पाइप से मुंह धो लेती है तो पर्सी से कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। ये सुन के पर्सी कहता है, क्या वाकई, तो कल हम डेट पे चल सकते हैं। इस पे मैडी हाँ कहती है और पर्सी अपनी साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हमें पर्सी को दिखाया जाता है जो मैडी से मिलने एक बार में आया है और मैडी अपने और पर्सी के लिए आइसक्रीम मंगवाती है। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं। इतने में इनकी आइसक्रीम रेडी होके आ जाती है। पर्सी को आइसक्रीम पी के कह होने लगती है। मैडी उसे कहती है, तुमको अब इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए, अब तुम बड़े हो गए हो। तभी वहाँ मैडी का एक और एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और मैडी को अपनी वाइफ का बताने लगता है और पर्सी से कहता है कि इसे संभल के रहना, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बीच पे जाते हैं। वो दोनों अपने क्लोथ्स किनारे पे उतार के समंदर के अंदर चले जाते हैं। इतने में एक लड़की और दो लड़के आते हैं और इनके कपड़े ले जाने लगते हैं। देखे मैडी विदाउट क्लोथ ही समंदर से बाहर आके इनसे फाइट करके क्लोथ्स वापस लेती है। फिर मैडी वापस समंदर में जाती है और पर्सी के बेतुके सवालों से
तंग आकर मैडी समंदर से बाहर आके कपड़े डाल के कार में बैठ जाती है। इसके पीछे पर्सी भी आता है और अपने कपड़े और फोन मांगता है। मैडी इसे कपड़े दे देती है पर फोन नहीं देती, जिस वजह से पर्सी विदाउट क्लोथ्स इसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के फोन मांगता है, लेकिन मैडी गाड़ी चला देती है और पर्सी ऐसे ही ऊपर रहता है। रोड पे जाते हुए इनके पीछे पुलिस की कार लग जाती है। पर्सी कार रोकने को बोलता है। मैडी कहती है अगर मैंने रोका तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही वो ट्रेन के आगे से भी गुजर जाते हैं। फिर वो दोनों घर जाते हैं और वो दोनों क्लोज होने लगते हैं। तभी पर्सी की पीठ पे एलर्जी होने लगती है। पर्सी बताता है कि जब मैं नर्वस होता हूँ तो ये अक्सर मुझे हो जाती है। मैडी इसकी पीठ पे एलर्जी वाली क्रीम लगाती है। तभी मैडी उसे बताती है कि जब मैं 18 साल की थी तो मैं घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन फिर मैं वापस आ गई क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब थी और मुझे इनका ख्याल रखना था। पर्सी कहता है तुम्हारे डैड नहीं थे इनका ख्याल रखने के लिए। मैडी इस बात को इग्नोर कर देती है। तब पर्सी इसे बताता है कि जब मैं स्कूल जाता था तो सबको पता चल गया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ सोता हूँ। वो सब गलत बात बना के मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैं लोगों से दूर रहता हूँ और तन्हाई को पसंद करता हूँ। और अपनी डैडी नैनी का भी बताता है और कहता है कि मैंने आज का दिन खराब कर दिया और कल हम पूरा दिन साथ गुजारेंगे, जिस पे मैडी हाँ कर देती है। अगली सुबह पर्सी और मैडी बीच पर और गेम्स खेल के बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद पर्सी मैडी को एक गेम कैप और फिंगर ट्रैप देता है। मैडी कहती है तुमने रात मुझसे मेरे डैड का पूछा था, और बताती है कि मेरे डैड का अफेयर चल रहा था। जब मैं हुई तो उनको मौका मिल गया और उन्होंने मेरी माँ को डिवोर्स दे दिया। मैं कमरे में पड़ी रहती और रोती रहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने डैड को खत लिखा कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो लेटर वापस आ गया और उन्होंने वो खोल के नहीं देखा था। इसी दौरान पर्सी को इसकी डैडी नोनी की कॉल आती है। पर्सी उन दोनों को आपस में मिलवाता है। इसके बाद मैडी के घर सैरा और इसके हस्बैंड को दिखाया जाता है। मैडी इन्हें बताती है कि पर्सी एक अच्छा लड़का है और हम अच्छे दोस्त बन गए हैं और हम आज रात डिनर पे जा रहे हैं। तभी बाहर मैडी का कॉलेज फ्रेंड आता है और मैडी को प्रॉपर्टी की ऑफर करता है, लेकिन मैडी मना कर देती है। इसके बाद सीन पर्सी की तरफ आता है जो डिनर के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर मैडी और पर्सी गाड़ी में बैठ के डिनर के लिए जा रहे होते हैं। वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। फिर वो दोनों डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी मैडी उसे पियानो बजाकर गाना गाने के लिए कहती है। पर्सी इसकी पसंद का गाना गाता है। सब लोग पर्सी के लिए क्लैपिंग करते हैं। जब वो वापस टेबल पे जाता है तो पर्सी की फ्रेंड आती है और कहती है कि तुम भी प्रिंसटन जा रहे हो और मैं भी, और कहती है कि मैं एक पार्टी में जाने वाली हूँ प्रिंसटन के, वहाँ काफी ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे। लेकिन मैडी मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो जाते हुए पर्सी को एड्रेस बता देती है। फिर पर्सी मैडी से कहता है कि नैटली अच्छी लड़की है और मैडी को बोलता है कि प्रिंसटन जाने के बाद हर वीकेंड मैं तुम्हारे लिए यहाँ आऊंगा या तुम मेरे लिए वहाँ आ जाया करना। मैडी इस बात को इग्नोर कर देती है। पर्सी ये सब देख के वहाँ से उठ के कहते हैं मुझे जाना चाहिए। मैडी भी इसके पीछे जाती है। गाड़ी में पर्सी वाइन पीता है और वो प्रिंसटन पार्टी जो एड्रेस नैटली ने दिया था वहाँ आया है और कहता है तुम सही कहती थी, मुझे अपनी उम्र वालों के साथ रहना चाहिए। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और इसके पीछे मैडी भी जाती है। मैडी की उम्र बड़ी होने की वजह से सब लोग इसे हैरानी से देख रहे होते हैं। कुछ इसका मजाक उड़ाते हैं और वीडियोस भी बनाने लगते हैं। मैडी अलग अलग रूम्स में पर्सी को ढूंढती है। जब इसे एक रूम में लॉक लगा नजर आता है तो वो डोर को नीचे से तोड़ के अंदर जाती है, जहां वो पर्सी और नैटली को बेड पे देखती है। हैवी टैबलेट लेने की वजह से पर्सी की हालत खराब होने लगती है। मैडी इसे वोमिट करवाती है। इतने में एक स्टूडेंट के पेरेंट्स वहां आते हैं और जबरदस्ती मैडी को निकालने लगते हैं। पर्सी ये देख के इसे पंच मारता है पर वो मैडी के गले पे लगता है और मैडी की हालत खराब होने लगती है। फिर वो गाड़ी में बैठ के वहां से जा रहे होते हैं। तभी पर्सी मैडी को आई लव यू कहते हैं। मैडी कहती है तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, हम कल बात करेंगे। अगली सुबह किचन में पर्सी को इसके पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है और पर्सी इनको मैडी का बताता है और प्रिंसटन जाने से मना करता है। इसकी मॉम कहती है तुम गाड़ी में जाके बैठो, तुम्हारे डैड अभी आते हैं। पर्सी के जाने के बाद इसके पेरेंट्स मैडी को कॉल करते हैं और पर्सी का डैड कहता है कि पर्सी को कॉलेज जाने के लिए मनाओ तो गाड़ी आज ही मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। और ये सब कार में लगी डिवाइस से पर्सी सुन रहा होता है। ये सब सुन के पर्सी सैड हो जाता है और मैडी को ब्रेकफास्ट पे बुलाता है। ब्रेकफास्ट करते हुए वो मैडी और अपने पेरेंट्स से अजीब तरीके से बात करने लगता है। फिर पर्सी को कॉल आती है और वो वहां से उठ के बाहर चला जाता है, जहां इसका एनिमल रेस्क्यू वाला दोस्त होता है। वो दोनों मिलके कार को तोड़ देते हैं जो मैडी को मिलनी थी। ये सब करने के बाद पर्सी सीधा अपने कमरे में चला जाता है। पर्सी को ऐसे देख के मैडी इसके रूम में आती है। मैडी के आते ही वो क्लोज होने लगते हैं। पर्सी इसे बताता है कि जो कार तुम्हें मिलनी थी मैंने वो तोड़ दी है और पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैडी कहती है हाँ, पर मैं अपना घर बचाना चाहती थी। पर्सी कहते हैं मैं कॉलेज जाऊंगा पर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। मैडी कहती है तुम्हारे पास अमीर बाप है पर मेरे पास नहीं। पर्सी कहता है वो है और तुम इसके इंतजार में ऐसे ही बैठी रहोगी। ये सुन के मैडी वहां से चली जाती है। इसके बाद मैडी अपने घर सो रही होती है। तभी वो भागती हुई बाहर आती है जहां गैरी होता है और वो उसे कार ले जाने से मना करती है, लेकिन गैरी इसे कार की कीज और पेपर दे के चला जाता है। इसके बाद सीन पर्सी और इसके पेरेंट्स की तरफ आता है। पर्सी अपने पेरेंट्स को कहता है कि आप लोगों ने मुझसे और क्या क्या छुपाया है, और उनको कहता है कि मैं अपने सारे पासवर्ड्स बदल रहा हूं और मुझे मेरे तरीके से मेरी लाइफ जीने दे प्लीज। इसके बाद मैडी को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप में अपनी सेविंग देख रही होती है, जो
के ना होने के बराबर होती है। फिर मैडी उसी टूटी हुई कार से उबर दोबारा स्टार्ट करती है और पर्सी भी अपना ध्यान उलझा के रखने के लिए गेम्स खेलता है। के बाद मैडी को दिखाया जाता है जो अपनी सेविंग कंप्लीट करके घर का टैक्स दे देती है और सैरा और इसके हस्बैंड के साथ इंजॉय करती है। सिदन सैरा बताती है कि हमें फ्लोरिडा जाना होगा क्योंकि मेरी मदर इन लोगों का घर बहुत छोटा है जो हम तीनों के लिए बहुत कम पड़ेगा। सैरा उससे भी साथ चलने का कहती है और कहती है कि तुम्हारी माँ चाहती थी तुम खुश रहो। मैडी कहती है मैं खुश हूँ। सिदन वही सामने टेबल पे मैडी लड़के को देखती है और घर ले आती है और वो इससे मिसबिहेव करने लगता है। मैडी इसे भगा देती है। इसके बाद मैडी अपना घर फाइनली सेल करने लगती है और इसके बाद वो पर्सी से मिलने एनिमल रेस्क्यू वाली जगह पे जाती है और उसके दोस्त से पर्सी का पूछती है पर वो मना कर देता है। इसके बाद मैडी इसके घर के बाहर और माइक पे पर्सी का पूछती है। अंदर से आवाज आती है कि वो नहीं है, कल वो प्रिस्टन पार्टी पे जाएगा। फिर मैडी वहां से चली जाती है। अगले दिन मैडी प्रिस्टन पार्टी में जाती है और पर्सी से कहती है तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे, लेकिन पर्सी इसकी बात को इग्नोर करता हुआ कार में बैठ जाता है। मैडी कार के ऊपर चढ़ जाती है, पर्सी इसे नीचे उतरने का कहता है। मैडी कहती है पहले मेरी बात सुनो फिर मैं उतरूंगी। मैडी नहीं उतरती तो पर्सी ऐसे ही कार चला देता है। वो कार चलाता हुआ बीच पे ले जाता है जहाँ कार सीप बनाने वाले चूल्हे में लगने से मैडी की शर्ट में आग लग जाती है और वो कार सीधे समंदर में जाती है और पर्सी समंदर से मैडी को बाहर लाता है। मैडी उससे माफी मांगती है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। बेंच पे बैठ के मैडी इसे बताती है कि मैंने अपना घर बेच दिया है और मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। इसके बाद मैडी अपना घर कम पैसों में अपने दोस्त और इसके हस्बैंड को दे देती है। इसके बाद सीन पर्सी की तरफ आता है जो अपना सामान लेके कॉलेज प्रिस्टन के लिए जाने लगता है। जब वो बाहर जाता है तो बाहर मैडी होती है और उससे कहती है कि तुम्हें कैब चाहिए। फिर पर्सी अपना सामान डिक्की में रखने लगता है और मैडी इसे डॉग से मिलवाती है और वो गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।